चिड़िया माँ का बलिदान। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही प्यारा सा जंगल था। जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया की एक आंख नहीं थी। टूनी चिड़िया का एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम डब्लू था। टूनी चिड़िया अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण करती थी क्योंकि डब्लू के पिताजी नहीं थे। डब्लू के पापा का बहुत मन था कि वो उसका एक स्कूल में दाखिला कराए। अब मैं उसे एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा लिखा कर डब्लू के पापा का सपना पूरा करूंगी। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया पास के ही जंगल के एक स्कूल में उसका दाखिला करा देती है। धीरे धीरे डब्लू बड़ा होने लगता है और पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है। डब्लू बेटा, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। इस वर्ष तुम कक्षा में प्रथम आए हो। कल तुम अपनी माँ को लेकर आना, उनके सामने आपको पुरस्कार दिया जाएगा। अरे, ये टीचर ने मुझे कैसी दुविधा में फंसा दिया है। अगर मैं अपनी माँ को कल स्कूल लेकर जाऊँगा तो सारे बच्चों को पता चल जाएगा कि मेरी माँ की एक आँख नहीं है और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अपना मजाक बनने नहीं दे सकता। मुझे इस बारे में कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर डब्लू घर आकर अपनी माँ को टीचर की कही कोई बात नहीं बताता। अगले दिन, डब्लू, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी माँ को लेकर आना, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं लेकर आए? मैं माफी चाहता हूँ मैम, कल मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उन्हें सुबह काम पर भी जाना था, इसलिए मैं उनको नहीं ला सका। कोई बात नहीं बेटा, ये लो तुम्हारा पुरस्कार, ये अपनी माँ को देना। तुम्हें पढ़ाने के लिए वो बहुत मेहनत करती है। डब्लू अपना पुरस्कार घर ले जाकर छुपा देता है ताकि उसकी माँ उसका पुरस्कार देखकर उससे कोई सवाल न कर सके। धीरे धीरे डब्लू का व्यवहार अपनी माँ के लिए बदलने लगता है। कुछ देर बाद टूनी जंगल से गुजर रही होती है, तभी उसे डब्लू की टीचर सोना हाथी मिल जाती है। अरे टूनी बहन, अब आपकी तबीयत कैसी है? डब्लू बता रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं टीचर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो रोज अपने काम पर भी जा रही हूँ। आपको ऐसा किसने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? डब्लू बता रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले स्कूल में उसको प्रथम आने पर पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार देने वाले दिन आपको बुलाया गया था ताकि आपके सामने उसको पुरस्कार दिया जा सके। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे बेटे को पुरस्कार मिला है। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। डब्लू ने कहा क्यों नहीं कि स्कूल चलना है? टीचर से मिलने के बाद टूनी चिड़िया हैरान होकर अपने घर लौट आती है। घर आकर, बेटा डब्लू, आज मुझे तुम्हारी टीचर मिली थी। वो बता रही थी कि अभी कुछ दिन पहले तुम्हें स्कूल में पुरस्कार मिला था और उन्होंने तुम्हें मुझे ये बताने को कहा था, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा तुमने क्यों किया डब्लू बेटा? माँ, आपको क्या परेशानी है अगर मैंने ये आपको नहीं बताया तो? अरे, इसके पीछे एक कारण था। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे स्कूल जाएं। क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझसे नाराज हो क्या? माँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त स्कूल में आपको देखें और मेरा मजाक बनाएं। अरे, आपकी एक आंख नहीं है, इस वजह से जंगल के सभी जानवर तो पहले से ही मेरा मजाक बनाते हैं। दोस्त भी मेरा मजाक बनाएं, मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैं आपको स्कूल नहीं ले गया। मैंने देखा है बाकी बच्चों की माँ कितनी सुंदर है और एक मेरी माँ है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। डब्लू की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अगर ऐसी बात है बेटा तो मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे किसी भी दोस्त के सामने नहीं आऊंगी और कभी भी तुम्हारे अपमान का कारण नहीं बनूंगी। अपने बेटे से वादा करने के बाद टूनी अपने कमरे में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। डब्लू अपनी माँ को रोते हुए सुनता है, लेकिन फिर भी उसके मन में अपनी माँ के लिए कोई सहानुभूति नहीं आती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। डब्लू स्कूल से कॉलेज में चला जाता है। अब मुझे बहुत मेहनत करनी है और जल्द ही इस जंगल से बाहर निकलना है ताकि मुझे अपनी माँ का एक आँख वाला बदसूरत चेहरा रोज न देखना पड़े। ऐसा सोचकर डब्लू बहुत मेहनत करता है और जल्दी ही उसे शहर वाले जंगल में एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है। अरे वाह,
मेरे बेटे को शहर में इतनी बढ़िया नौकरी लगी है। सचमुच आज मेरी तपस्या सफल हो गई। अपना खूब ख्याल रखना बेटा और वहाँ जाकर सुंदर सा घोंसला बनाना। इसके बाद डब्लू शहर के जंगल में चला जाता है। कुछ दिन बाद शहर में ही डब्लू को एक पढ़ी लिखी सुंदर चिड़िया मिल जाती है। पिंकी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? हाँ डब्लू, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? पिंकी, वो क्या है कि मेरे पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था, मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। और मेरी माँ वो जंगल में रहती है, उनको शहर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो मुझसे ज्यादा संपर्क में नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग जल्दी शादी कर लेते हैं। उसके बाद डब्लू और पिंकी की शादी हो जाती है और दोनों शहर में ही डब्लू के घोंसले में एक साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद डब्लू के घर पर एक सुंदर सा बेटा सोनू पैदा होता है। डब्लू और पिंकी उसके पालन पोषण में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन डब्लू के माँ की चिट्ठी आती है। बेटा डब्लू, आशा है तुम बिल्कुल ठीक होगे। मैं दिन रात तुम्हारी खुशहाली की दुआ करती हूँ। जंगल में जब भी कोई तुम्हारी कामयाबी के बारे में बात करता है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सचमुच तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, अब जल्दी ही तुम मुझसे मिलने आ जाओ। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और मुझे वैद्य जी के पास बार बार जाना पड़ता है। पता नहीं कब मेरा जीवन समाप्त हो जाए। हो सके तो एक बार अपने बेटे और पत्नी को लेकर जंगल आ जाओ। मैं जाने से पहले अपने पोते को एक बार देखना चाहती हूँ। अरे पता नहीं मेरी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। अरे इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़ाकर मैं यहाँ शहर में आया हूँ, अब यहाँ भी मुझे चैन से नहीं रहने दे रही है। मैं जंगल नहीं जाऊँगा, चाहे जो भी हो जाए। ऐसा सोचकर डब्लू माँ की चिट्ठी फाड़ कर फेंक देता है। कुछ दिन बाद डब्लू को जंगल के एक स्कूल के हेडमास्टर भालू काका मिलते हैं। अरे बेटा डब्लू, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो है? है लगता ही नहीं है कि तुम वही जंगल वाले डब्लू हो। अरे क्या ठाट बाट हो गए हैं तुम्हारे, है कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ काका, मुझे यहीं शहर में नौकरी मिल गई है और जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है, बस आप सभी का आशीर्वाद है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन तुम्हें क्या तुम्हारी माँ की कोई सूचना नहीं मिली? अरे वो बेचारी कितने ही दिनों से अस्पताल में भर्ती है और वहाँ पर अकेली अपने आखिरी दिन गिन रही है। वो हर समय तुम्हें ही याद करती रहती है बेटा, हो सके तो एक बार उससे मिल लो, अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ। भालू काका की बात सुनकर डब्लू बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है, मैं चुपचाप एक बार जाकर माँ से मिल लेता हूँ। पिंकी और सोनू को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कहीं सोनू मेरी माँ को देखकर डर ना जाए। ऐसा सोचकर डब्लू जंगल में अपनी माँ कुट्टी से मिलने के लिए निकल जाता है। जंगल में पहुंचकर, अरे वाह वाह डब्लू बेटा, कैसे हो तुम? तुम्हारी आँख कैसी है? मेरी आँख तो बिल्कुल ठीक है काका, मेरी आँखों को क्या हुआ है? मैं तो यहाँ अपनी माँ को देखने आया था। देखो बेटा, अब बचपन में तुम्हारी आँख लगाने का ऑपरेशन मैंने ही किया था, अब बस इसलिए पूछ लिया मैंने। क्या कहा, आँखों का ऑपरेशन? आँख लगाने से आपका क्या मतलब है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताई? हुआ ये था कि बचपन में ही तुम्हारी आँख में शिकारी का तीर लग जाने के कारण वो फूट गई थी। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम जीवन भर एक आँख के साथ अपना जीवन बिताओ, इसीलिए उसने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी थी। ये आप क्या कह रहे हैं काका? अरे मैंने अपनी माँ की इसी एक आँख के कारण उनसे जीवन भर नफरत की, आप बता रहे हैं कि वो आँख मेरे पास है। हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया मुझसे। आज आपने मेरी आंखें खोल दी काका, मेरी माँ कहाँ है? मैं उसके पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ कमरे में अंदर है, जाओ उनसे मिल लो। डब्लू तेजी से अंदर जाता है और अपनी माँ के चरणों में बैठकर रोते हुए उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया,
आप जीवन भर मेरे लिए मेहनत मजदूरी करती रही, लेकिन मैं आपके बलिदान को कभी समझ नहीं पाया माँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से तो गलतियाँ होती रहती हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तुम तो मेरे सबसे प्यारे बेटे हो, तुम्हारा पालन पोषण करना तो मेरा कर्तव्य था, इसमें मैंने कोई विशेष काम नहीं किया है। माँ की बात सुनकर डब्लू खुशी खुशी उनके गले लग जाता है। टूनी चिड़िया भी डब्लू को खुशी से माफ कर देती है। उसके बाद डब्लू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपने शहर वाले घोंसले में रहने लगता है। अब उसे अपनी एक आंख वाली माँ बहुत सुंदर लगने लगती है।